तो दोस्तों आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो जिसमें कि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हो बच्चे का और बड़े लोगों का जिसमें अपडेट करेक्शन का काम करना चाहते हो और जो कि आधार फाइंड का काम ये जो जितने भी बड़े तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हो इसमें हम बताएंगे जो लोगों को भी आधार सेंटर खोलना पता नहीं है किससे कॉल करना चाहिए क्या डॉक्यूमेंट लगती है क्या करना है ये सब कुछ आपको पता नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर आधार सेंटर खोलते हैं तो दोस्तों आप नया आधार कार्ड बना पाओगे अपडेट करेक्शन का काम कर पाओगे उसमें आधार को फाइंड कर पाओगे आधार को प्रिंट कर पाओगे आधार को डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ अपडेट करेक्शन कर पाओगे इसमें सारी सर्विस मिल जाएगी और आप जो जगह से भी हो मतलब इंडिया का किसी भी स्टेट का भी हो आप आधार सेंटर कर पाओगे बस आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है यहाँ पर पूरी जानकारी है तब जाके आपको पता चलेगा इसमें हमने पूरी जानकारी ऐड करी है जैसे कि मान लो बिना सी से कैसे आधार सेंटर खोला जाता है सी के थ्रू कैसे आधार सेंटर खोला जाता है आधार सेंटर खोलने के लिए क्या लगती है कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है क्या क्या सामान लगता है ये सब कुछ हमने पूरी जानकारी दी है तो बस चैनल पर नहीं है तो दबा के लाइक कीजिए यार क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और दबा के एक सब्सक्राइब गिफ्ट कीजिए क्योंकि इस तरह का नया नया जानकारी जानने के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ नया आधार सेंटर ओपन करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ लेके आए हैं एक तो हमने एक एजेंसी होती है जो यू के साथ रजिस्टर हुई है उनका डिटेल लेके आए हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके आए हैं उनका ऑफिस एड्रेस लेके आए हैं और उनका मेल आईडी लेके आए हैं और दूसरा ये है कि आप आधार सेंटर खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगती है आधार एग्जाम पास कैसे किया जाता है कैसे क्या पढ़ना है सिलाबस क्या है वो सब कुछ हमने लेके आए हैं तो मैं आपको एक एक स्टेप करके मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही डिपकशन पर दिया गया लिंक पर आप क्लिक करोगे वहां पर हमने एक लिंक दिया है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए ओके okay. उस पीडीएफ फाइल में क्या है मैं आपको दिखा देता हूं लाइव पहले एक पीडीएफ फाइल है जिसमें पूरी विवरणी मतलब पूरी जानकारी है आधार सेंटर कैसे खुला जाता है क्या होती है डिजिटल सर्विस क्या है आपको जो एन आधार एग्जाम कैसे देना है या आपको एथोराइजेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा एल एम पासवर्ड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और उसमें और भी जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि सी अप्रूव करना है तो कैसे करना है सी का टी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा एग्जाम कैसे पास करना है आई एग्जाम कैसे पास करना है आई एग्ज़ाम रैप एग्जाम कैसे पास करना है उसका जानकारी भी वहां पर आपको मिल जाएगा विथ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो देन दोस्तों क्या क्वालिफ़िकेशन लगती है जेन्युन तरीका हमने बताया है एक आधार सेंटर खोलने के लिए इस पी पर तो आप वहाँ से भी ये पूरी जानकारी ले जाओगे देन सी के थ्रू आप एक आधार सेंटर खोलते हो या यू सेंटर खोलते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो बताया है देन यहाँ पर हमने एक सौ एजेंसी का लिस्ट हमने दिया है एक पीडीएफ हमने दिया है वहाँ पर आपको पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हो तो हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पर एक यूनिटेड डाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का एक कंपनी है जो कि तमिलनाडु कर्नाटक उत्तर प्रदेश और बाकी एरिया में ये आधार सेंटर देती है नीचे पान इंडिया का है उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में यहाँ पर दिया जाता है देन नीचे और एक एजेंसी है जिसमें वेस्ट बंगाल बिहार दिल्ली आसाम और उत्तर प्रदेश मेघालय मध्य प्रदेश में ये आधार सेंटर देते हैं और नीचे है उड़ीसा में देते हैं राजस्थान में देते हैं गुजरात में देते हैं आंध्र प्रदेश में देते हैं जितने भी इंडिया में स्टेट है ना सभी जगह पर ये एजेंसी लोग हैं जो कि आधार सेंटर प्रोवाइड करते हैं तो आधार सेंटर खोलने के लिए हमें क्या लगती है एक तो एन का डॉक्यूमेंट लगती है जो सर्टिफिकेट होती है उसके बाद हमें एजुकेशन सर्टिफिकेट लगती है टेंथ या प्लस टू हमें होना चाहिए देन दोस्तों हमारे पास एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लगती है देन हमारे पास एक आधार सेंटर खोलने के लिए एक जगह होना चाहिए वो लगती है तो दोस्तों आप जैसे ही उन लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे कॉल करोगे मेल एड्रेस पर मेल करोगे या उनके ऑफिस जाकर उनसे बात करोगे तो वो लोग बताएंगे कि ये क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो लोग आपको पूरी जानकारी देंगे ये हंड्रेड परसेंट ये जेन्युन वाला डिटेल है इसमें कोई फेक नहीं है यहाँ पर ये यू के साथ रजिस्टर है और इनका एजेंसी है यू के साथ मिलकर ये आप सभी लोगों को आधार सेंटर प्रोवाइड करते हैं आप उनसे कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और ये फाइल है ये पी फ़ाइल इसे आपको डाउनलोड करना है इसमें हिंदी उड़िया और इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज पर हमने यहाँ पर बताया है कौन सी चीज़ क्या होती है कहाँ क्या करना पड़ेगा आधार सेंटर खोलने के लिए ये पूरी जानकारी हमने यहाँ पर बताई है जिनको एक्चुअली में आधार सेंटर खोलना है और पैसा कमाना है आधार सेंटर खोल के तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाओ और ये वाला फाइल को डाउनलोड करो और पूरी जानकारी ले लो और आधार सेंटर खोलो और अच्छा खासा पैसा कमाओ अपने फैमिली को चलाओ और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाओ आधार सेंटर खोलने का यही एक जेन्युन तरीका है जो हमने इस फाइल पर बताई है और बाकी जगह पर जाके आप आधार सेंटर के बारे में पूछते हो तो आपको किसी ने भी नहीं बताएगा कि कौन कैसा आधार सेंटर खोलते हैं आप आपके एरिया का कोई आधार सेंटर चला रहा है तो आप उनसे भी पूछोगे तो आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे आधार सेंटर खोला जाता है क्योंकि भाई ये खुद का बिजनेस और लोगों को शेयर करेंगे तो उनको उनका बिजनेस में मार बाजिएगा इसलिए वो लोग नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं आप इनसे आधार सेंटर खोलते हो तो नया आधार कार्ड बना पाओगे बच्चे लोगों का बड़े लोगों का अपडेट करेक्शन का काम कर पाओगे मोबाइल नंबर लिंक हो गया एड्रेस अपडेट हो गया डी हो गया नेम चेंज हो गया ये कर पाओगे देन आप ई आधार कार्ड प्रिंट कर पाओगे ये सब कुछ कर पाओगे वीडियो अच्छी लगी दबा के, के लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का नया नया जानकारी जानने के लिए और ये वाला वीडियो को आगे शेयर कीजिए बहुत लोगों को ये सही जानकारी मिल नहीं पाती इसलिए ये वाला वीडियो को शेयर करिए उन तक तो पहुँचे कुछ भी आप मन में डाउट है नीचे कमेंट कीजिए तो चलिए इस तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में आज के लिए टाटा एंड बाय बाय जय हिंद